बिहार के प्रशासनिक गलियारे के जाने माने आईएएस ऑफिसर के पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। वैसे तो के पाठक हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा ही उनको लेकर के चर्चाएं होती रहती है। जब वो शिक्षा विभाग के एसीएस थे उस वक्त भी उन्होंने कई चौंकाने वाले निर्णय लिए, कई अहम फैसले लिए जिसको लेकर के वो सुर्खियों में रहते थे। हालांकि वो जिस भी विभाग का जिम्मा संभालते हैं, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उनको दी जाती है उसमें वो सुधार के तमाम कोशिशें करते हैं, और अब उनकी क्योंकि जिम्मेदारी ही बदल दी गई है, उनका विभाग ही बदल दिया गया है, तो अब नए विभाग को लेकर के वो किस वजह से सुर्खियों में है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बिहार के प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है वो ये कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि इससे बिहार के सरकारी शिक्षकों को भले ही राहत की सांस लेनी पड़ी हो, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि के पाठक फिलहाल राजस्व और भूमि सुधार विभाग में ज्वाइन नहीं करेंगे। विभाग के दफ्तर में लगाया गया उनका नेम प्लेट भी हटा दिया गया है। पिछले दिनों जब के पाठक को शिक्षा विभाग के एसीएस से राजस्व और भूमि सुधार विभाग का एसीएस बनाया गया था, उसी समय विभाग के दफ्तर में उनका नेम प्लेट भी लगा दिया गया था, पर 4 दिन के अंदर उनका नेम प्लेट हटा दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि एसीएस के पाठक ने विभागीय कर्मचारी को खुद फोन कर के नेम प्लेट हटाने की बात कही थी, ये खबर भी सामने आई है। हालांकि न्यूज 18 ने यह खबर पहले ही आपको दिखाई थी और अब इस पर मुहर लग गई है, के पाठक ने खुद ही अपने नेम प्लेट को हटाने की बात कही थी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि के पाठक आने वाले वक्त में कौन सा कदम उठाने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, इस पे हर किसी की नजर है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में के पाठक को क्या कोई और जिम्मेदारी दी जाती है या फिर इसी जिम्मेदारी को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। और भी सिंह खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।